Good morning, students. Welcome in the next lecture of Pharmacology 1. Students, as you all know, we are discussing limit test. Limit test, आप लोगों ने पहले कई सारे कर लिए हैं. आपने कोलाइड का कर लिया है, सफेद का कर लिया है, आपने लेड का, आयरन का कर लिया है. Now we are going to start limit test for heavy metals. Heavy metals. अब heavy metal जो है, उसके लिए भी IP ने एक limit specify की हुई है कि कोई भी जो drug है हमारी या pharmaceutical products है, उनके अंदर जो है heavy metal एक limit तक, prescribed limit तक ही present हो सकती है. अब जो heavy metal की impurities हैं, उसमें lead आता है, antimony, bismuth, tin, cobalt, magnesium. ये सारा कुछ हम heavy metal के अंदर ही लेते हैं और इनको हम group together, इनको जब हम testing के लिए लेते हैं, तो इनका हम कॉम्बिनेशन लेकर ग्रुप भी ही लेते हैं टेस्टिंग के लिए. और जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होता है उसके अंदर हम इनको ग्रुप में ही टेस्ट करते हैं. तो जो हैवी मेटल है, इनकी जो क्वांटिटी है, जो इम्प्योरिटीज की फॉर्म में हम जो एक्सप्रेस करते हैं, तो लेड की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज पार्ट्स बाय वेट ऑफ लेड इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय वेट ऑफ सब्सटेंस. द पार्ट पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो इंडियन फार्माकोपिया 2010 का एडिशन है, उसने 4 मेथड्स प्रिस्क्राइब किए हैं हैवी मेटल को टेस्ट करने के लिए. यानी आपको कोई भी सैंपल दिया गया है अगर, तो उसको जो हमने उसके अंदर अगर हमें हैवी मेटल को टेस्ट करना है, उसके लिए हमें 4 मेथड्स दिए गए हैं. उनमें से आप कोई भी एक किसी मेथड से आप हैवी मेटल को टेस्ट कर सकते हैं. तो हमें चारों मेथड जो है डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे. तो सबसे पहले है मेथड ए. अब मेथड ए के अकॉर्डिंगली फिर वही आपने नेसल स्टैंडर की यहाँ पे यूज करते हैं. तो एक आपने स्टैंडर्ड के लिए यूज करना है नेसल स्टैंडर, और सेकंड आप लोगों ने टेस्ट के लिए यूज करना है. लैब में आप लोगों ने नेसल स्टैंडर यूज कर लिए हैं, आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में उनका डायग्राम भी बनाया है नेसल स्टैंडर के. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 2 नेसल स्टैंडर लेने हैं. एक के ऊपर हमने मार्क करना है स्टैंडर्ड और दूसरे के ऊपर मार्क करना है टेस्ट. तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड वाला नेशनल स्टैंडर्ड होगा, उसमें हम क्या करेंगे, 1 ml लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, लेड का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसके अंदर 20 ppm लेड होता है, 20 पार्ट्स पर मिलियन लेड होता है, वो हम डालेंगे. उसको 1 ml डालेंगे और फिर उसको हम 25 ml तक वाटर के साथ हम डिल्यूट करेंगे. आपको पता है वहाँ 25 ml का मार्क होता है, तो वहाँ तक आप जो है उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल के उसको डिल्यूट करेंगे. फिर इसके अंदर जहाँ तक हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालेंगे, जहाँ डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे, क्योंकि हमको पीएच जो है एडजस्ट करनी है बिटवीन 3 and 4. ठीक है, और उसके बाद इसको हम 35 ml तक वाटर के साथ डाइल्यूट कर लेंगे और ग्लास और से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये हो गया आपका स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन. अब हम बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन की. वही हम नेसल स्टैंडर्ड लेंगे और उसके अंदर हम क्या डालेंगे, 25 ml टेस्ट सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन होगा आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे इंडिविजुअल मोनोग्राफ के अंदर जो भी आपको सब्सटेंस मिला है टेस्टिंग के लिए, उसके मोनोग्राफ के अंदर आईपी में इसका जो प्रोसीजर दिया गया है वैसे आप प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, और फिर दूसरा मेथड ये है कि आप जो आपको जितनी क्वांटिटी बोली गई है सब्सटेंस की, उसको आप सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करके वॉल्यूम 25 ml कर लेंगे. अब इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे कि जहाँ इसके अंदर आप डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालेंगे, जहाँ डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे, पीएच इसकी भी हमने 3 और 4 के बीच में एडजस्ट कर ली है, और फिर इसको आप वाटर के साथ डाइल्यूट करके इसका भी वॉल्यूम हमने 35 ml कर लेना है, ग्लास वाटर के साथ मिक्स कर लेना है. ठीक है, तो ये आपके 2 नेसल स्टैंडर्ड के अंदर 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गए. अब आगे प्रोसीजर क्या है कि हर सिलेंडर के अंदर आपने क्या करना है, 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन डालना है. ठीक है, स्टैंडर्ड में भी और टेस्ट में भी 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, और इसको इसकी ग्लास रॉड के साथ मिक्स कर देना है. टेस्ट रॉड को और टेस्ट वाले सॉल्यूशन को उसकी ग्लास रॉड के साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको भी आपने 50 ml विद वाटर कर लेना है, और इसको भी आपने 50 ml विद वाटर कर लेना है, और दोनों नेसल सिरप को 5 ml के लिए आपने पहले थोड़ी देर के लिए रख लेना है. उसके बाद आपने व्हाइट सरफेस, जैसे आप लोग जानते हैं कि आपकी लैब में जो टाइल्स लगी हैं वो व्हाइट कलर की लगी हैं, तो उन व्हाइट सरफेस के कंपेयर
कलर किसके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, स्टैंडर्ड में प्रोड्यूस हुआ है, टेस्ट में प्रोड्यूस हुआ है। अगर आपका टेस्ट में ज्यादा कलर प्रोड्यूस होता है तो आपका जो सैंपल है यहाँ पे वो लिपिड टेस्ट को पास नहीं करता है। ठीक है, कि जो कलर प्रोड्यूस विदिन द टेस्ट क्वेश्चन इज नॉट मोर इंटेंस देन दैट प्रोड्यूस विदिन द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो ये है आपका मेथड ए। अब आते हैं हम मेथड बी के ऊपर। मेथड बी में क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने इसी तरीके से बनाना है कि आपने नेशनल स्टैंडर्ड लेना है 50 ml का और उसके अंदर आपने क्या डालना है 1 ml ऑफ लेट स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और उसको आपने वाटर के साथ 25 ml तक डाइल्यूट कर लेना है। अब इसकी पीएच को आपने एडजस्ट करना है विदिन 3 to 4। कैसे एडजस्ट करेंगे, जहां पर लिक्विड एसिडिक एसिड डालेंगे या अमोनिया डालेंगे, और फिर इसके अंदर वाटर डाल के आपने वॉल्यूम है 35 ml कर देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। इस तरीके से बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब टेस्ट का जो प्रोसीजर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेथड बी में, कि क्या करना है आपने क्रूसिबल लेके उसके अंदर कितनी क्वांटिटी बोली गई है, जो भी आपको सैंपल मिला है उसके मोनोग्राफ में जितनी क्वांटिटी स्पेसिफाइड क्वांटिटी बोली गई है उसको वे करना है और उसको आपने फिर वेट करना है किसके साथ, सफिशियंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर इस क्रूसिबल के अंदर ही उसको इग्नाइट करना है लो टेम्परेचर के ऊपर जब तक ये पूर्ण चार ना हो जाए, जल ना जाए पूरी तरह। ठीक है, अब ये जो आपका चार मास होगा इसमें आपने 2 ml लैक्टिक एसिड डालना है और 5 drops सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं और फिर से इसको आपने हीट करना है जब तक वाइट फ्यूम्स इवॉल्व होते रहते हैं तब तक आपने इसको हीट करना है। ठीक है, जब वाइट फ्यूम जो है इवॉल्व होने बंद हो जाए फिर आपने इसको इग्नाइट करना है मफल फर्नेस के अंदर, टेम्परेचर होगा 500 to 600 degrees centigrade। ठीक है, ताकि सारे का सारा जो कार्बन है वो कम्प्लीटली बर्न ऑफ हो जाए, कार्बन बिल्कुल भी ना रहे। अब इसको कूल करना है, इसके अंदर आपने डालना है 4 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और इसको कवर करना है वाटर बाथ में, इसको 15 minutes के लिए डाइजेस्ट करना है, फिर इसको अनकवर करना है और फिर इसको स्लोली इवेपोरेट करना है, इवेपोरेट टू ड्राइनेस, वाटर बाथ के ऊपर इवेपोरेट करते रहेंगे कि ड्राई होना स्टार्ट हो जाए। फिर इस जो रेजिड्यू बचता है इसको इसके अंदर आप डालेंगे 1 drop ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसे इसको मॉइस्ट करेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे 10 ml हॉट वाटर और इसको 2 minutes के लिए डाइजेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे अमोनिया सॉल्यूशन, ड्रॉप वाइज डालेंगे कि आपका ये जो बनता है सॉल्यूशन ये जस्ट एल्केलाइन हो जाए, लिटमस पेपर पे टेस्ट करें तो जस्ट एल्केलाइन हो। ठीक है, फिर इसको आप 25 ml तक वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे, इसके लिए पीएच आप उसी तरीके से 3 और 4 के बीच में एडजस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसको फिल्टर करने की जरूरत है तभी आप इसको फिल्टर करेंगे, क्रूसिबल को आप रिंस करेंगे और फिर इसको आप फिल्टरेट आपके पास अगर आपने फिल्टर किया है, फिल्टरेट आपके पास आया है तो आप उसको नेशनल सेंटर के अंदर फिल्टरेट के साथ जो है जो बाकी वॉशिंग सैंडल्स हैं उनको भी नेशनल सेंटर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और फिर नेशनल सेंटर के अंदर ट्रांसफर करने के बाद 35 ml तक वाटर डाल के इसका वॉल्यूम 35 ml तक कर लेंगे और फिर ग्लास वॉक के साथ इसको मिक्स करेंगे। तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इंडिविजुअली एक एक स्टेप जो है याद रखना पड़ेगा। अब आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बन गया, आपका टेस्ट क्वेश्चन भी बन गया, अब प्रोसीजर क्या है आगे आपने क्या करना है, फिर से वही काम करना है आपने कि 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन आपने स्टैंडर्ड में डालना है और ऐसे ही आपने टेस्ट में डालना है। ठीक है, और फिर इसको भी ग्लास वॉटर के साथ मिक्स करना है, टेस्ट में भी ग्लास वॉटर के साथ मिक्स करना है और फिर जो है इसको 50 ml वाटर के साथ वाटर डाल के 50 ml तक डाइल्यूट कर लेना है। अब इसको 5 मिनट के लिए एक साइड को दोनों नेशनल सेंटर आपने रख देने हैं। जब 5 मिनट्स हो जाए अब आप व्हाइट सरफेस के साथ कंपैरिजन करके देखें कि कलर किसमें ज़्यादा इंटेंस प्रोड्यूस हुआ है, अगर टेस्ट में प्रोड्यूस हुआ है तो लिपिड टेस्ट को पास नहीं कर रहा है। ये है आपका मेथड बी। ठीक है, मेथड बी नो डाउट इसका टेस्ट क्वेश्चन बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब आता है मेथड सी। मेथड सी
स्टैंडर्ड बनाना है और एक में आपने टेस्ट बनाना है। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, ओडी 1 ml आप क्या लेंगे, लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसके अंदर 20 ppm 20 पार्ट पर मिलियन लेड हो, और उसमें आप क्या डालेंगे 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, लेड का सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और इसको आपने वाटर के साथ 50 ml तक डाइल्यूट कर लेना है, ग्लास वाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन की। इसमें भी क्या करना है, आपने आपको नेस्ले स्टैंडर्ड लेना है, उसमें आपने क्या करना है 25 ml जो आपने टेस्ट सॉल्यूशन इसके अंदर डालना है। अब टेस्ट सॉल्यूशन आप उसी मेथड से बनाएंगे जैसे इंडिविजुअल मोनोग्राफ के अंदर बनाया गया है। एक तो ये मेथड है, दूसरा क्या है कि आप स्पेसिफाइड क्वांटिटी टेस्ट सब्सटेंस की नेस्ले स्टैंडर्ड के अंदर डालिए और उसमें 20 ml जो है वाटर डाल दीजिए और 5 ml इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, डिसॉल्व कर लीजिए, फिर इसको वाटर के साथ 50 ml में डाइल्यूट करिए और मिक्स कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों तैयार हो गए। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड बनाया, फिर आपने टेस्ट बना लिया है। अब आगे प्रोसीजर क्या है, आगे प्रोसीजर है कि आप इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों के अंदर 5 ड्रॉप्स सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन के डालेंगे, मतलब स्टैंडर्ड में भी 5 ड्रॉप्स, टेस्ट में भी 5 ड्रॉप्स सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसको आप रख देंगे एक साइड के अंदर। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद आप कलर को कंपेयर करेंगे कि किसके अंदर ज्यादा इंटेंस कलर प्रोड्यूस होता है। अगर टेस्ट के अंदर इंटेंस कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो सैंपल है वो लिक्विड टेस्ट को पास नहीं कर रहा है। अब फोर्थ आता है मेथड डी। मेथड डी में भी सेम है, आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाना है, 10 ml आपने लेना है लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसके अंदर लेड की जो क्वांटिटी है दैट शुड बी 1 ppm 1 पार्ट पर मिलियन लेड, जहाँ लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने लेना है जिसके अंदर 2 ppm लेड। ठीक है, 2 पार्ट्स पर मिलियन लेड। टेस्ट सॉल्यूशन आपने कैसे बनाना है, जैसे इंडिविजुअल मोनोग्राफ में बताया गया है वैसे आपने सैंपल लेके टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है और फिर उस टेस्ट सॉल्यूशन का 12 ml आपने ये जो है टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब है आगे का प्रोसीजर कि आप क्या करेंगे कि जो जिसके अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो जो स्टैंडर्ड वाला आपका टेस्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या डालेंगे आप 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन और उसको आप मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर हर जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर आप डालेंगे 2 ml एसीटेट बफर, pH होनी चाहिए 3.5। ठीक है, उसको ग्लास वाटर के साथ दोनों में आपने ऐसे कर लिया, ग्लास वाटर के साथ दोनों में आपने मिक्स कर लिया, फिर आप डालेंगे 1.2 ml थायो एसिटामाइड रीजन। ठीक है, टेस्ट में भी स्टैंडर्ड में भी आप डालेंगे 1.25 ml ऑफ थायो एसिटामाइड रीजन और फिर उसको 2 मिनट्स के लिए आप रख देंगे, उसके बाद आप कलर को कंपेयर करेंगे कि टेस्ट के अंदर जो कलर है वो स्टैंडर्ड के कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो आपका जो टेस्ट है उसका जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है आपके 4 मेथड। यानी अगर आपके पेपर में लिमिट टेस्ट और हैप्पी माइनस आता है तो इंडियन फार्माकोपियर के हिसाब से ये 4 मेथड हैं, मेथड ए मेथड बी मेथड सी मेथड डी, इनको आपने लिखना है। ठीक है, चारों का स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं, टेस्ट कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड और उसी हिसाब में प्रोसीजर मिलता जुलता ही है। टेस्ट के लिए बी का प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ए और सी में काफी बनता है और डी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस जैसे जैसे प्रोसीजर है वैसे ही आपने लर्न करना है, कौन सा रीजन कितनी क्वांटिटी में डालते हैं वो आपने लर्न करना है और रिजल्ट सबका सिमिलर आपने जो ऑब्जर्वेशन है वो सिमिलर होगी कि आपने वाइट सरफेस से कंपेयर करना है कि कितना जो है कलर प्रोड्यूस हुआ। थैंक यू।